हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनिकेत कदम। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, दैट इज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। सो इन दिस स्टैंडर्ड यू हैव टू लर्न दैट व्हाट आर द इवेंट्स दैट आर ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट एंड दे नीड टू बी अकाउंटेड फॉर और नॉट। ये चीज़ें हमें देखनी है कि उन्हें अकाउंट्स करना है, उन्हें एडजस्ट करना है या नहीं। तो दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने जितने भी पढ़े हैं ना, उसमें हमने देखा था कि ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करने चाहिए, कब रिकॉर्ड करने चाहिए। उनमें हमने सीखा वैल्यूएशन के बारे में, या उनमें हमने सीखा एसेट मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन के बारे में। पर यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इसमें हम इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ने वाले। इसमें कुछ हम डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। सर मतलब डिफरेंट क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट इन द सेंस, इनमें हम ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड तो हो गए, पर बैलेंस शीट डेट के बाद ऐसे कुछ इवेंट्स हो गए, उनका जो रिकॉर्डिंग था वो क्वेश्चनेबल हो गया। उस पर क्वेश्चन आ गया, भाई इसको हम एडजस्ट करें या ना करें। तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ठीक है, इसे मैं एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा। ओके, अगर एक 1 अप्रैल 2013 को अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2014, दैट इज 31 मार्च 2014 को अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, ठीक है, पर ऑडिटिंग 31 मार्च 2014 को चालू हो गया, तो उसे फाइनलाइज होने में कुछ समय तो लग जाएगा, सही है? नहीं तो दूसरे दिन थोड़ी हो सकता है, क्योंकि इतने एंट्रीज अकाउंट करना है, स्टॉक अकाउंट फॉर करना है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। तो इसके बाद ऑडिट फाइनलाइज होगा, तो इस दौरान कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, सही है? तो जो इस दौरान इवेंट होते हैं उन्हें हम बोलेंगे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट अप्रूवल ऑफ अकाउंट। तो ये स्टैंडर्ड के नाम का आपको मीनिंग तो समझ में आ गया, ठीक है। 31 मार्च टू 31 जुलाई के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे बोलेंगे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग हम कौन से चीजों पे करते हैं? एक जो एंट्रीज होती है वो एस्टिमेशन के बेसिस पे होती है, और दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है एक्चुअल बेसिस पे। सर क्या आप एग्जांपल दे सकते हो हमें इस बारे में? यस, एग्जांपल के साथ ही पढ़ेंगे जो पढ़ना है। तो इधर मैंने एक एस्टिमेशन का एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर बैड डेब्ट्स को हमें रिकॉर्ड करना है तो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, राइट? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो पैसे एक्चुअली मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, जस्ट हमें थोड़ा सा डाउट है कि वो बंदे से पैसे नहीं आ सकते या डूब सकते, इसलिए हमने एक प्रोविजन बना दिया है। ओके, दिस इज नॉट एन एक्चुअल लॉस, दिस इज एन एस्टिमेटेड लॉस। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल लॉस, दिस इज एन एस्टिमेटेड लॉस। तो हमने तीन पॉइंट्स देखे हैं कि सबसे पहले बुक्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं 31 मार्च के बाद, उसका ऑडिट चल रहा है, कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेशन के बेसिस पे हुए है और कुछ एक्चुअल बेसिस पे हुए है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेशन के बेसिस पे किया होगा तो उसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर 31 मार्च के बाद में आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जिसका पिक्चर क्लियर हो जाए, मतलब एस्टिमेशन हम कौन से बेसिस पे करते हैं, एक अंदाज के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, पर 31 मार्च के बाद हमें ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि जो हमने अंदाज किया था उसके बारे में हमें और एक्यूरेट पिक्चर आ गई है 31 मार्च के बाद में। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या आप और अच्छी तरीके से बता सकते हो क्या? यस गाइज, हमें और अच्छी तरीके से हम उसे देखते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ठीक है, और एंड होता है 31 मार्च को। तो आपने इस दौरान अकाउंटिंग, मतलब एक अकाउंटिंग एंट्री किया था बैड डेब्ट्स का, तो ये हम आपने किस एस्टिमेशन के बेसिस पे किया होगा, राइट?
तो एस्टिमेशन के बेसिस पे क्या होगा, मतलब हमने कुछ अमाउंट, मतलब उसके पास हमारी समझो 10,000 रुपये की उधारी है, तो उसमें से ऐसे हमारी अंदाज था कि उसमें से 5,000 रुपये जो है वो डूब सकते हैं। तो हमने उसका एक प्रोविज़न बना लिया कि PNL अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 5,000 5,000 रुपीज़। पर क्या हुआ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव होते हैं 31 जुलाई को। सबसे पहले हमें क्या कर लेते हैं, अपनी एंट्री ले लेते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये डूबने वाले ऐसे मान के चल रहे, टू प्रोविजन फॉर 2,000 रुपीज़। तो हमने ये एंट्री कर ली थी अकाउंटिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में। पर 31 मार्च टू 31 जुलाई के बीच में हमें ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिली, उसमें हमें समझा कि 2,000 नहीं भाई, 1,500 रुपये ही हमारे डूबने वाले हैं। तो फिर हमारी ये जो एस्टिमेशन की एंट्री थी वो बदली जाए या नहीं? सर बोलोगे यार सर, पर अपने तो हमने तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर शुड बी एडजस्टेड। आपकी बात काट रहे हो, ओके, तो उसे एडजस्ट करे या ना करे? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बोलता है कि अगर आपने कुछ एंट्रीज एस्टिमेशन के बेसिस पे की हो और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद बट अप्रूवल के पहले ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे पिक्चर और क्लियर हो जाए, तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसे एडजस्ट कर दोगे 1,500 1,500 से। ठीक है, क्या हो गया था, 31 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम एक प्रोविजन करते आ रहे थे ग्रेचुटी की, ओके, एम्प्लॉयज की 500 500 रुपये हम प्रोविजन करते आ रहे थे। तो अप्रैल में क्या हो गया, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 31 मार्च के बाद जो अप्रैल आता है उसमें क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन आई, आपको 100 100 रुपये प्रोस्पेक्टिवली बढ़ाने के हैं आपके ग्रेचुटी फंड में। तो आप अभी बताइए कि उसे हम एडजस्ट करें या ना करें? कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ करना चाहिए सर, क्योंकि लॉजिकली इट इज़ करेक्ट दैट 1 अप्रैल टू 31 मार्च में हमारा खर्चा ज़्यादा था तो हमने करना चाहिए। पर कुछ बोलेंगे कि नहीं सर, बिकॉज एट दैट टाइम दैट रेट वॉज करेक्ट, एट द रेट वी वर डिडक्टिंग द ग्रेचुटी विच वर ऑन द एक्चुअल बेसिस। तो नोटिफिकेशन 31 मार्च के बाद आई है तो फिर हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगले साल उसे हम कॉस्ट में डाल देंगे। तो जो सेकेंड वाले स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो हमने अकाउंटिंग एंट्री किया था वो कुछ एस्टिमेशन के बेसिस पे नहीं किया था या गलती से नहीं किया था, वो हमने एक्चुअली बेसिस पे किया था, तब जो रेट चल रहा था तब किया था, तो उसे हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो दो टाइप के इवेंट होते हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट, जो हम इतनी देर से डिस्कस करते आ रहे थे। तो एडजस्टिंग इवेंट आर दोज इवेंट्स विच नीड टू बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आर द इवेंट्स विच डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बट हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज एडजस्टिंग एंड व्हाट इज नॉन एडजस्टिंग? तो वही बोला मैंने कि जो इवेंट्स जो हमने जो अकाउंटिंग एंट्री किया था एस्टिमेशन के बेसिस पे, जो उसको और क्लियर पिक्चर दे रहा है वो अकाउंटिंग का, वो रहेगा एडजस्टिंग इवेंट, और बाकी के रहेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो और एक एग्जांपल लेंगे हम, AS 13 के अनुसार वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन बैलेंस शीट डेट था कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, राइट। 31 मार्च को कॉस्ट थी 100 रुपीज़ और फेयर मार्केट वैल्यू थी 90 रुपीज़, ठीक है, और बैलेंस शीट क्लोज हो रहा था 30 जून 2014 को, और तब फेयर मार्केट वैल्यू हो गई 125 रुपीज़। तो फिर ये इवेंट था बैलेंस शीट डेट के बाद में और अकाउंट अप्रूवल के पहले, तो इससे हम 125 करना चाहिए या नहीं? क्योंकि बोलिए, क्योंकि कॉस्ट है 100 रुपीज़ और FMV है 90 रुपीज़, तो हमने 100 रुपीज़ पे रिकॉर्ड कर दिया कॉस्ट और NRV विच एवर इज हायर। तो फिर FMV तो 125 हो गई बाद में, तो FMV 125 पे हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो
AS ये बोलता है कि हमने 31 मार्च को एक्चुअल बेसिस पे किया था या एस्टिमेशन बेसिस पे किया था. सो इट वॉज ऑन द एक्चुअल बेसिस, सो वी डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड. क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जो एस्टिमेशन बेसिस पे हमने रिकॉर्ड किया था और उसका कुछ इवेंट हो गया और हमें और क्लियर पिक्चर आ रही है, तो हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं. ठीक है. सो कवर्ड अंडर AS 4, यस. टू बी एडजस्टिंग, नो. टू बी नॉन एडजस्टिंग, यस. एज AS इट वॉज एक्चुअल. सो एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, एक बार हम पढ़ लेते. सो एडजस्टिंग इवेंट आर दोज इवेंट विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट कंडीशनड ऑन द बैलेंस शीट डेट. ओके, जो बैलेंस शीट डेट पे अमाउंट थी वो एस्टिमेशन बेसिस पे रिकॉर्ड की गई थी और बाद में कुछ ऐसी चीज घटना हो गई उसके वजह से जो बैलेंस शीट पे अमाउंट एस्टिमेशन के बेसिस पे की गई थी उस पे हमें और क्लियर पिक्चर आ गए, तो उसे हम बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट. ठीक है. एग्जांपल, गवर्नमेंट अनाउंस्ड कंपनी विल गेट ग्रांट एंड कंपनी विल पास एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में वो एंट्री कर देगी कि कंपनी को ग्रांट मिलने वाली है. कंपनी कम टू नो एक्नॉलेज दैट द ग्रांट विल नॉट बी रिसीव्ड एज द कंपनी डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया. तो कंपनी को बाद में पता चला कि वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करने वाली है और उसे ग्रांट नहीं मिलने वाला है बैलेंस शीट के बाद में, तो उसे हम क्या करें, एडजस्ट करें या ना करें. तो दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि हम वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले हैं या नहीं. सिर्फ एस्टिमेशन के बेसिस पे हमने रिकॉर्ड कर लिया था कि हाँ भाई हमें ग्रांट मिल जाएगा, कंडीशन पूरी हो जाएगी, एक एस्टिमेशन था. ठीक है. तो फिर दिस विल बी अ एडजस्टिंग इवेंट एज एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड. तो हम हिंदी में एक बार मैंने जैसे लिखा एक बार पढ़ लीजिए. ऐसे इवेंट जो अकाउंट क्लोज के बाद बट अकाउंट अप्रूवल के पहले होते हैं एंड हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हम पता लगा सके बैलेंस शीट डेट पे जो असेट और लायबिलिटी की सही वैल्यू क्या है जिनको एस्टिमेशन एस्टिमेटेड बेसिस पे लिया गया था. तो ये आप आपके बुक में भी लिख सकते हो. ओके, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. ओके, एक था गोइंग कंसर्न और एक था प्रपोज डिविडेंड. अभी क्या होता है, 31 मार्च को हमारा प्रॉफिट निकलता है, फाइनेंशियल्स बनते हैं, उसके बाद डिविडेंड होता है. ठीक है, उसके पहले तो वो बैलेंस शीट में दिखती ही नहीं है. तो क्या आप उसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में का एक आइटम हो गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज में प्रपोज डिविडेंड हमें देना है वो. सो पहले वो एडजस्टिंग होता था. ठीक है, पहले वो एडजस्टिंग होता था क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे हमें पता नहीं था प्रॉफिट कितना है, बाद में पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है और उसके बेसिस पे हम डिविडेंड देते हैं, तो उसके बाद हमें करंट लायबिलिटीज में उसे दिखाना पड़ता था. पर अमेंडमेंट आ गई और उसे बोल दिया गया इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड एज इट वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन बैलेंस शीट डेट. बैलेंस शीट डेट पे हमने जो पहले से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज एस्टिमेशन के बेसिस पे की गई है और हमें आगे चल के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हमें और क्लियर पिक्चर आ जाए उस अकाउंटिंग एंट्री के बारे में, तो उसे हम बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट. ओके, तो ये जो डिविडेंड था वो बैलेंस शीट डेट पे प्रेजेंट ही नहीं था, राइट? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट डेट पे वो प्रपोज डिविडेंड हमारे अकाउंट्स में फाइनेंशियल्स में प्रेजेंट ही नहीं था, तो उसके बारे में हम क्या एस्टिमेशन लेंगे और आगे चल के क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिसे हम एडजस्ट करेंगे. तो अमेंडमेंट ऐसे आ गई कि इट इज़ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड यू शुड नॉट डिस्टर्ब योर फाइनेंशियल, जस्ट यू हैव टू कोट इट इन योर नोट्स टू अकाउंट दैट प्रपोज डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड और इतना इतना हमें अमाउंट देना है बोल के. ठीक है, तो पहले क्या होता था, AS 4 नॉन एडजस्टिंग ही बोलता था, पर जो कंपनीज एक्ट था वो कंपनीज एक्ट बोलता था इट इज एडजस्टिंग इवेंट एंड वी हैव टू शो दैट इन द बैलेंस शीट इन टू विच इट बिलोंग्स. ओके, तो ऐसा एक रूल है कि अगर कंपनीज एक्ट और कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो कभी भी जीतेगा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कभी भी जीतेगा वो है कंपनीज एक्ट. तो उस हिसाब से कंपनीज एक्ट
का जो एडजस्टिंग था उसने वर्चस्व पा लिया और वो जीत गया। कुछ ये आ गया, अमेंडमेंट्स आ गया, उसमें कंपनीज एक्ट ने बोला कि नहीं ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और इसे हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए। तो AS4 ने बोला ठीक है चलेगा, आप जैसे बोले वो वैसे चल जाएगा। ठीक है, पर सर यार इतना टेंशन क्यों है, ये कंपनीज एक्ट बोल रहा है फिर से नॉन एडजस्टिंग, फिर से एडजस्टिंग, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो रीज़न क्या है हम लॉजिकली देखने की कोशिश करें। तो सर ये इतना टेंशन है क्योंकि उसे एडजस्टिंग में ले जा रहे हैं, नॉन एडजस्टिंग में ले जा रहे हैं, क्योंकि उसका रिलेशन था ROE के साथ, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ। तो उसे इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत इम्पैक्ट हो रहा था और कुछ कंपनी उसके साथ शेयर होल्डर्स के साथ खेल रहे थे, इसलिए उसे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कर दिया जा रहा था। तो फिर ROE का फॉर्मूला क्या है हम सबसे पहले सीखते हैं। अर्निंग टू इक्विटी शेयर फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड इनटू 100। तो चलो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, प्रॉफिट में है 6 लाख रुपीज़ और जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर डिविडेंड दिया नहीं जाता उस समय तो फिर हमारा ये जो फंड है वो इधर आ जाता और टोटल इक्विटी हमारा हो जाता 20 लाख रुपीज़ इफ़ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। ओके, तो हमारा बेस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट हमारा इधर आ गया। तो ठीक है, तो हमारा अगर 20 लाख रुपीज़ पे हम एक्स अमाउंट अर्न कर रहे हैं 100 रुपये समझो, ठीक है, और 17 लाख पे हम 100 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो हम कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? कभी भी ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उसमें समझ रहा है कि अरे यार ये तो 17 लाख इन्वेस्ट करके 100 रुपये कमा रही है और ये कंपनी 20 लाख इन्वेस्ट करके 100 रुपये कमा रही है। तो कोई भी कंपनी क्या करती थी, डिस्क्लोज करती थी डिविडेंड, उसे हम करंट लायबिलिटी में डालती थी और उस बाद में डिक्लेयर करती कि गलती से डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, हम डिविडेंड नहीं दे रहे। तो ऐसे चल रहा था और ये गलत प्रैक्टिस प्रिवेल हो रही थी, तो इसके वजह से इसे नॉन एडजस्टिंग बोला गया और आप इसे इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं बता सकते और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये सही हो गई और सब कंपनीज को ये फॉलो करना पड़ा। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, बैलेंस शीट डेट के रिवीजन है ये, बैलेंस शीट डेट के बाद में जो इवेंट होते हैं बट अकाउंटिंग अप्रूवल के पहले उसे हम बोलेंगे इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। उसमें दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट जो होता है कि प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट विच एसेट और लायबिलिटी दैट वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, आर दोज इवेंट विच प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑन कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। सो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट एज पर द एडजस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर बैलेंस शीट of asset and liability should be adjusted for adjusting event. As per accounting standard for non-adjusting event are those event which do not relate to the condition existing on the balance sheet date. So ये accounting standard पूरा हो गया। So thank you so much guys for watching the video. अगर आपको ये video ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो please share करिए आपके friends के साथ और like करिए और comment करिए। अब हमें आपको कुछ improvement चाहिए होगी हमारे इस videos में। So bye bye, keep smiling and keep loving.